यहाँ पे हमारे हाथ में है ये इसरो का, जो कि इनका ज्वाइनिंग लेटर से पहले एक कन्फर्मेशन लेटर आता है वो है, और एक सीट है थी मात्र, और दूसरा है बैंक नोट मुद्रालय देवास, इसमें भी एक सीट थी, ये ज्वाइन लेटर है। तो दो दो ज्वाइन लेटर लेकर के बैठे हैं। और सिलेक्शन इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ था जी। तो फिर मैं स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने सोचा कि अब स्किल टेस्ट की तैयारी किया जाए, और फिर मेरा एक दोस्त है वहाँ इन्फोटेड में स्किल टेस्ट की तैयारी किए थे वो, तो फिर मैं वहाँ से संपर्क किया, फिर वो बताया कि स्किल टेस्ट की बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं कि डेफिनेटली निकल जाएगा। तो फिर मैं कांटेक्ट किया और मैं गया गाजियाबाद मुरादनगर में, मैंने इन्फोटेट को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा स्किल टेस्ट सिखाए और मेरा डेफिनेटली क्वालिफाई हो गया, 11 नंबर लीड किया और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया, और स्किल टेस्ट में इन्फोटेट ज्वाइन करके और वहाँ पे कोचिंग किया और स्किल टेस्ट की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई और क्वालिफाई कर लिया, और डेफिनेटली मार्क स्कोर सबसे ज़्यादा था और सिलेक्शन तो होना तय था जी। तो इन्फोट्रेड का इन्होंने बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्फोट्रेड मात्र एक ऐसा इंडिया का नंबर वन संस्थान है जहां पे स्किल टेस्ट के मामले में लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे आए और सिलेक्ट हुए, डीआरडीओ में, बार्क में, इसरो में, हर जगह वो सिलेक्ट होते रहते हैं, और एक ऐसा संस्थान है। इन ये भी 9 साल से तैयारी कर रहे थे, अभी गए इन्फोट्रेड में, गए इन्होंने स्किल टेस्ट की तैयारी की और इनका ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में है। नमस्कार, जय हिंद सभी को, वेलकम टू इन्फोट्रेड आईटीआई क्लासेस। आईटीआई क्लासेस में इन्फोट्रेड के आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू जो आप देख लेंगे तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन होने को आपको मिलेगा कि फिर आप कभी भी हताश निराश नहीं हो सकते हैं। तो आज हम प्रयागराज की धरती में आए हुए हैं, एक ऐसे बच्चे से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि मात्र एक सीट पे इसरो को, और उस सीट को अपना बनाने के लिए अपना परचम लहराया इन्होंने। इनका जन्मभूमि आजमगढ़ है और स्ट्रगल भूमि की बात करें तो प्रयागराज है। तो आज इनसे मिलवाते हैं, इनका रूम हम दिखा देते हैं आपको, ये प्रयागराज का रूम है इनका, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका रूम कैसा होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है ये सबको नहीं पता होता है। घर वाले क्या होते हैं, बस भेज देते हैं बच्चे जाके पढ़ो, बाकी कुछ लोगों को घर से कुछ सहायता मिल जाती है, कुछ लोगों को खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हैं रवि जी, ठीक है। तो इन्हीं की ज़ुबानी इनकी पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, उसके पहले एक बार बता दें यहाँ पे हमारे हाथ में है ये इसरो का, जो कि इनका ज्वाइनिंग लेटर से पहले एक कन्फर्मेशन लेटर आता है वो है, और एक सीट है थी मात्र, और दूसरा है बैंक नोट मुद्रालय देवास, इसमें भी एक सीट थी, ये ज्वाइन लेटर है। तो दो दो ज्वाइन लेटर लेकर के बैठे हैं, और भी इन्होंने तैयारियां किया, बहुत दिन से तैयारी करते हैं, इनकी तैयारी 9 साल हो गए इनको तैयारी करते करते। बाकी इनकी कहानी इन्हीं के ज़ुबानी सुनाते हैं। तो रवि जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार, आप कहाँ से हो एक बार अपने जुबान से बताइए। जी मेरा नाम रवि कुमार है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता था जी। सेल्फ स्टडी ये करते थे, और इन्होंने इन्फोट्रेड को कैसे जाना ये पूछते हैं इनसे, तो आप इन्फोट्रेड को कैसे जाने? जी जब मेरा सिलेक्शन इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ था जी। तो फिर मैं स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने सोचा कि अब स्किल टेस्ट की तैयारी किया जाए, और फिर मेरा एक दोस्त है वहाँ इन्फोट्रेड में स्किल टेस्ट की तैयारी किए थे वो, तो फिर मैं वहाँ से संपर्क किया, फिर वो बताया कि स्किल टेस्ट की बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं कि डेफिनेटली निकल जाएगा। तो फिर मैं कॉन्टेक्ट किया और गया गाजियाबाद मुरादनगर में, मैंने इन्फोटेट को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा स्किल टेस्ट सिखाए और मेरा डेफिनेटली क्वालिफाई हो गया जी। देखो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद लास्ट एक प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट का, इसरो वगैरह हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, ऐसे जो महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न हमारे संस्थान है, रिसर्च सेंटर हैं उनमें। तो स्किल टेस्ट का जो देने के बाद इनका फाइनल रिजल्ट आता है। स्किल टेस्ट के लिए बहुत भटक रहे थे, कहीं से इनको नंबर वगैरह मिला और संपर्क किए, कितने दिन में स्किल टेस्ट सीख गए टॉप लेवल की, ये खुद ही बताएंगे।
मैंने 15 दिन का सर बताए थे कि 15 दिन का ही कोर्स है और मैं 15 दिन विद इन 15 दिन 12-13 दिन 14 दिन में कंप्लीट हो गया। वहाँ रहने की व्यवस्था थी और खाने पीने की अच्छी सुविधा थी और वहाँ पे सर बहुत सपोर्ट किए और आप मिनिमम फीस में आप अच्छा खासा आईटीआई की ये सॉरी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करा दिए और मैंने मतलब कई सारे प्रैक्टिकल कराए, कोई प्रैक्टिकल छूटा नहीं और जितने भी लगभग वही प्रैक्टिकल कराया गया जो इनसे पूछा जाए, इनके एग्जाम में आए और शायद वही आया भी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्रैक्टिकल सिखाए थे आया था, कुछ बच्चे जानने कोशिश करेंगे ना ऐसा क्या आ गया जी जी। बताइए जरा क्या स्किल टेस्ट हम लोग को वहाँ पे इंफोटेड में कई सारे प्रैक्टिकल कराए जिनमें हमारा दो प्रैक्टिकल आया था, दोनों प्रैक्टिकल एकदम एग्जैक्टली वही आ गए सेम टू सेम। और पहला हम लोग से दो क्वेश्चन पूछे थे और सेकंड पे था ड्यूअल स्टार्टर, मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स करना और विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं उसको पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग के साथ उसको मोटर को रीडिंग नोट करना। तो मैंने वहाँ पे पहले तो स्टेयर केस वायरिंग अपना बना के दिखा दिया, इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ड्यूअल स्टार्टर को मैंने कंट्रोल वायरिंग पावर वायरिंग भी किया और फिर उसको जो है इसको टेस्ट भी किया है टेस्ट लैंप से मैंने। लेकिन वहाँ पे हमारे सर वहाँ पे इंफोटेड में ये बताए थे कि वहाँ पे एक कंट्रेक्टर रिले से चलेगा नहीं, तो फिर मैं वहाँ पे मुझे पहले डाउट हुआ कि आप पता शायद मैं ही गलत हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ। सर जी बताए थे कोई भी काम करने से पहले उसको आप पूरी तरह से चेक कर लीजिए आपका सही है कि नहीं। मैंने वहाँ चेक किया या नो एन सी, सर जी बताए थे वहाँ पे 2 NO NC यूज होता है, तो मैंने चेक किया उसमें एक ही NO NC था, तो फिर एक ही कंट्रेक्टर यूज हो रहा था वहाँ पे, मतलब दिए थे जबकि 2 होता है। तो मैंने सर को बुलाया कि सर 2 हमको चाहिए, कह रहे नहीं एक ही चलेगा, हम कह रहे नहीं सर हमको 2 चाहिए और 2 से चलेगा ही, क्योंकि मोटर को रिवर्स करना है तो उसका फेस सिक्वेंस चेंज करना पड़ेगा और फेस सिक्वेंस चेंज करने के लिए एक कंडक्टर और रिले यूज कर चाहिए हमको। तो सर लाए और मैंने पहले ड्राइंग बनाया और इसके बाद ड्राइंग बना के इसके बाद उसके हिसाब से वायरिंग किया और पावर कंट्रोल वायरिंग किया, पावर वायरिंग किया और इसके बाद ऑपरेट किया और टेस्ट से और सही से चल गया और मेरा इसमें फाइनल रिजल्ट आ गया और मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल आपको जानकारी जी, बिल्कुल क्वालिफाई करने के बाद तो एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट के लिए 12 लोग को बुलाया था जिनमें लोग लड़के गए थे और फिर इसके बाद वहाँ पे एक ही दिए थे और फिर मैं वहाँ पे 2 मंगाया और मैंने वहाँ पे किया जबकि कोई स्टूडेंट नहीं लिया, कोई भी स्टूडेंट नहीं लिया, वो कैंटीन में लोगों से बात किया पता चला ये चीज़ें। चलो अच्छा है, ये तो आपका हो गया इनका सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा आपने स्ट्रगल कितने साल से यहाँ प्रयागराज में आप कर रहे हैं जरा ये बताइए लोगों को ताकि मोटिवेशन हो। जी मैंने 2015 में अपने डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट करके 2015 में इलाहाबाद में आया हूँ और इसके बाद कंटिन्यू लगा था। इसके बाद 1 साल मैंने कोचिंग किया इलाहाबाद सलोरी में ही किया, टेक्निकल की कोचिंग किया। इसके बाद जब कंप्लीट हो गया इसके बाद सेल्फ स्टडी पे ही मैंने अपना फोकस किया और सेल्फ स्टडी पे कंटिन्यू अपना सारे बुक हुआ थ्योरी पे ज़्यादा कमेंट किया, थ्योरी के साथ साथ मैंने ऑब्जेक्टिव को भी फोकस किया और फिर अपना साथ साथ सेल्फ नोट्स बनाता रहा। और इनमें सेल्फ नोट्स बनाना ज़रूरी होता है कि जैसे इन्होंने कुछ बनाए हैं दिखाइए जरा सर, यहाँ पे इन्होंने जैसे ये सेल्फ नोट्स बनाए हैं बहुत सारे है ना, ये मेरा मतलब पूरा सेल्फ नोट्स ही है और मैंने सब देखिए कोई भी नोट्स नहीं है, सब हाथ से लिखा, एक ही पेन से लिखा गया है, सब पूरे हाथ से लिखा गया है। मैंने सब सारे बुक का ही हेल्प लेके कई सारे बुक का हेल्प लिया। अच्छा ऐसा क्या राज हो कि बच्चे स्ट्रगल तो बहुत दिन से कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको नौकरी पानी है तो 1 महीने 6 महीने 10 दिन करके नहीं, आप इन्होंने 9 साल तैयारी की उसके बाद ऑल इंडिया ओवर में मात्र 1 सीट पर अपना परचम लहराया इन्होंने, तो 1 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, है ना जी। नहीं मैं बच्चे सोचते हैं 2 साल 4 साल 6 साल तैयारी करते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या अच्छी बात है छोड़ना जी चाहिए? मैं नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, उनको होपफुली लगे रहना चाहिए, जब तक ना हो तब तक लगा रहना चाहिए क्योंकि होना तो तय है और ये माता पिता कहते थे होना तो तय है, ये सिलेक्शन तो होना तय है। आप अगर कंटिन्यू लगे हैं, मेहनत से लगे हैं और मैं भी ऐसे ही लगा था, कंटिन्यू लगा था, हर एग्ज़ाम देता था मोस्टली, 2016 से एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा हूँ मोस्टली, भारत के कई राज्यों में मैं गया हूँ, यहाँ तक कि आप बंगाल पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कोलकाता और इधर मुंबई राजस्थान हुआ गया, दिल्ली कई सारे, दिल्ली में तो कई सारे एग्ज़ाम दिया, यूपी के कई सारे, वहाँ मैसूर गया, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में मैंने बहुत कई जगह इनका नाम भी आया।
कहीं कुछ ना कुछ में रह गए, इंटरव्यू वगैरह भी जी गया जी था। मेरा सबसे पहले टाटा स्टील में मैं क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू के लिए उड़ीसा गया था। इसके बाद मैं मेरा आरआर कैट में, जिनमें एक ही सीट थी, और आरआर कैट में मैंने रिटर्न दिया और क्वालिफाई कर लिया, जो 50 में से 48 मेरा क्वेश्चन सही था और एक्यूरेसी के साथ। और इंटरव्यू में 5 लोग को बुलाए थे एक सीट पर, और वहाँ पर मेरा फाइनल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद मैंने IPR का एग्ज़ाम दिया था, इंडियन प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद में मैंने, और उसमें 6 सीट थी ऑल ओवर, और 6 सीट में मेरा रिटर्न में सी। फिर वहाँ पे मतलब वहाँ भी फुल एक्यूरेसी के साथ मैंने केवल एक क्वेश्चन ही गलत किया था, और फुल एक्यूरेसी के साथ मैं वहाँ क्वालिफाई किया, और वहाँ इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू भी नहीं हुआ। और फिर फाइनली एक बार और मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया, क्या कहते हैं, बैंक नोट प्रेस का दिया, बैंक नोट पोस्ट टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी एक पोस्ट थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, और ज्वाइनिंग लेटर भी अभी जिसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक दो पोस्ट होती है, 5-6 पोस्ट होती है, तो वो भरते नहीं है जी। उनको भरना चाहिए, है ना जी? भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में। जैसे मैंने इसरो का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी एक ही पोस्ट थी, और इसमें इसरो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की एक ही पोस्ट थी, और मैंने एग्ज़ाम दिया और आंसर की मैं सबसे टॉप स्कोर किया, 81.25 लाया, और जिसकी कट ऑफ गई थी 70.25 गई थी, मैंने 11 नंबर लीड किया, और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया, और स्किल टेस्ट में इन्फोट्रेड ज्वाइन करके और वहाँ पर कोचिंग किया, और स्किल टेस्ट की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई और क्वालिफाई कर लिया, और डेफिनेटली मार्क स्कोर सबसे ज्यादा था और सिलेक्शन तो होना तय था जी। तो इन्फोट्रेड का इन्होंने बार बार नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन्फोट्रेड मात्र एक ऐसा इंडिया का नंबर वन संस्थान है जहां पे स्किल टेस्ट के मामले में लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे आए और सिलेक्ट हुए। DRDO में, बार्क में, इसरो में, हर जगह वो सिलेक्ट होते रहते हैं, और एक ऐसा संस्थान है। ये भी 9 साल से तैयारी कर रहे थे, अभी गए इन्फोट्रेड में, गए इन्होंने स्किल टेस्ट की तैयारी की, और इनका ज्वाइनिंग लेटर इनके हाथ में है, ठीक है? तो इन्फोट्रेड एक ऐसा संस्थान है जो गाज़ियाबाद में है, अगर वहाँ पे आ गए तो कल्याण होना आपका तय है। तो आपके गांव वगैरह में तो बहुत खुशी होगी माँ बाप जी? उस समय भैया की शादी थी, और चूंकि चुनाव का आचार संहिता लगा था, तो इस वजह से मेरा बैंक नोट प्रेस में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, रोक दी गई थी ज्वाइनिंग, हालांकि चुनाव के बाद होता। तो भैया की शादी थी, अप्रैल में मैं आ गया था, फिर 15 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आ गया फाइनल इसरो का, तो खुशी इतनी हो गई। फिर विधायक सर और फिर और काफ़ी सारे गाँव की बधाइयाँ मिली, और काफ़ी दूर दूर तक मेरे पुराने टीचर, कक्षा क्लास 5 में पढ़ रहा था उस समय के टीचर, प्रिंसिपल मुझे इनवाइट किए थे, स्वागत समारोह किए थे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट कराए प्राइमरी स्कूल में, और बहुत अच्छा लगा ये, चूँकि मोटिवेशन ही है, वो आप लगे रहेंगे, कंटिन्यू लगे, खुद से मोटिवेट करिए कि मैं अपने आप को एनालिसिस करिए क्या गलती कर रहा हूँ, और चीज़ें को नोट करिए कि टाइम को साथ मैनेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, थ्योरी बुक पर ज़्यादा कमांड बनाइए, चूँकि थ्योरी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिना ऑब्जेक्टिव को क्लियर, चूँकि आजकल के मैं कंपनी बच्चे होते हैं कि एग्जाम देते नहीं, वो छोड़ देते हैं, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, एग्जाम छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? एग्जाम तो हम कहेंगे इतना दीजिए कि आप हर महीने तो दो दो एग्जाम रहे, इतना कोशिश करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं लगभग कई सारे ऐसे महीने थे मेरे हर महीने में 3-3 एग्जाम पढ़ते थे, मैं बहुत मतलब कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ता था, क्योंकि थोड़ा बहुत शुरुआत तो बहुत अच्छी, फैमिली बहुत सपोर्ट की मेरा, और मैं 2 साल से एक पब्लिकेशन ज्वाइन किया जिससे मैं अपना खुद का खर्चा निकालता था, और अच्छा खासा 4 घंटा वहाँ मेहनत करता, टेक्निकल का ही क्वेश्चन करता था। इन्होंने खुद से मेहनत की, फैमिली कितने दिन तक भाई आपको सपोर्ट कर सकती है? आप बाहर रह रहे हो, प्रयागराज जैसे शहर में रह रहे हो, एक तो पढ़ाई का यहाँ पे गढ़ तो है ही, लेकिन पैसे भी लगते हैं उस हिसाब से। तो इन्होंने अब अपने से ही तैयारी करना शुरू किया और जॉब करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किए, और इनका एक भाई भी यहाँ पे रह रहे हैं, अभी है नहीं वो, कहीं बाहर है, उनसे भी मिलवाते, उनका भी सिलेक्शन होना ही होना तय है, और आपकी इसरो में ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है, और इनके घर तो नहीं जा पाए इसलिए इनके प्रयागराज जहाँ पे इनका स्ट्रगल धरती है वहाँ पे आए, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनसे मिले, और बहुत आप लोगों को मोटिवेशन इनसे मिलेगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। ऐसे जो भी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं उनकी स्टोरी हम आपके बीच में लाते रहेंगे, आप देखते रहिए इन्फोट्रेड टेक्निकल ITI क्लासेस, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि
आपको मोटिवेट मिल सके, हो सके, आप भी और अपने दोस्तों को भी कर सके जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, आप आए और अच्छा लगा, और हमारे मतलब जो हमको जिसकी वजह से हुए वो आए, हमको बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच आप लोग का। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जम के पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो।